हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं सॉलिड वर्क की एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसको हम रेंडर भी करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सॉलिड वर्क को ऑन कीजिए, फिर फाइल के ऊपर टिक करके एक न्यू न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। दोस्तों, ड्राइंग को हम राइट साइड में बनाएंगे, तो यहाँ पे राइट प्लेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको नॉर्मल कर लो। अब स्केच कमांड के ऊपर क्लिक करके, स्केच टूल बार के ऊपर क्लिक करके लाइन टूल से आप एक रफली स्केच बना लो। ऐसे तो अब इसकी डायमेंशन सेट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 100 है और ये वाली डिस्टेंस 24 है, ये वाली भी 24 ही होगी। और जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 12 है। ये सारी भी 12 होगी। तो देखिए दोस्तों, डायमेंशन लगाने के बाद हमें ये पीस प्राप्त हुआ है। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे 160। ये वाली डिस्टेंस भी 12 है, ये भी 12 है। हाँ, अब इसको एक्सट्रूड करेंगे। फीचर के ऊपर क्लिक करके आपको एक्सट्रूड कमांड के ऊपर क्लिक करना है और इसको 160 एक्सट्रूशन देना है। तो देखिए, ये हमारी ड्राइंग एक्सट्रूड होके ऐसी बन गई है। ये वाली हाइट भी हमें थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, 12। तो मैं अभी स्केच को एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे टिक करके स्केच के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट स्केच कर लो और उसको यहाँ से नॉर्मल कर लो। अब हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 12 चाहिए। इसको ओके। तो देखिए, बिल्कुल ओके हो गया। अब इस प्लेन के ऊपर हमें अपनी ड्राइंग आगे वाली ड्राइंग तैयार करनी है। तो प्लेन सेलेक्ट करके इसको वैसे ब्लू कलर हो जाएगा, फिर यहाँ से नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्केच ड्रा कर देना है। तो जैसे 60x33 का एक बॉक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे। स्मार्ट डायमेंशन टूल से इसको सेट कर लेता हूँ 33, नहीं ये 60 है। जो हाइट है वो 33 है। यहाँ पे आपको सेंटर के मिड पॉइंट के ऊपर एक सर्कल ड्रा करना है जो कि 15 रेडियस का है, और एक सर्कल और ड्रा करना है जो कि 30 रेडियस का है। फिर ट्रिम टूल के ऊपर क्लिक करके इसको काट लेना है। अब इसको भी एक्सट्रूड करना है, तो फीचर में गए, एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज करोगे, रिवर्स डायरेक्शन में कितना एक्सट्रूड करना है।
76। इसको बाद में ओके करो। तो ये देखिए स्केच रेडी है। अब बिल्कुल सेंटर में हमें एक वेज भी तैयार करना है। तो वेज तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन लगाना पड़ेगा। जैसे टोटल 100 है तो ये वाला व्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे इस प्लेन को सेलेक्ट करके आपको रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके प्लेन इंसर्ट करना है। और यहाँ से फ्लिप फ्लिप करके डिस्टेंस 50 बार देना है। अब ये जो प्लेन आया है बिल्कुल सेंटर में है, इसी के ऊपर हम अपना वेज बनाएंगे। इसको यहाँ पे नॉर्मल करके आप स्केच कमांड के साथ यहाँ पे स्केच ड्रा कर दो। अब इसको दोनों तरफ से एक जैसा एक्सट्रूड कर दो। टोटल 12 एक्सट्रूड दिया है, 6 एक तरफ करेंगे, 6 एक तरफ करेंगे, तो 6 एक तरफ हो गया। डायरेक्शन 2 में 6 एक तरफ हो गया। जब इसको आप ओके करोगे तो आपकी ड्राइंग रेडी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमारी ड्राइंग तैयार हो गई है। इस प्लेन को हाइड कर देना है आपको। प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ इस टूल के ऊपर टिक करना है हाइड के ऊपर, तो प्लेन दिखना बंद हो जाएगा। तो चलो इसको अब रेंडर भी करते हैं। रेंडर करने के लिए आपके कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर में आपका फोटो व्यू 360 इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे रेंडर टूल ऑन हो जाएंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे टिक करना है। सबसे पहले इसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे। जैसे मेरे को सीन चेंज करना है तो बेसिक सीन के ऊपर ये उसके बैकग्राउंड के पड़े हैं, सीन पड़े हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसको उठा के यहाँ पे रख दो। और इसका चेंज करने के लिए इसकी अपीयरेंस में आप कोई भी आप अपना लगा सकते हो, मटेरियल लगा सकते हो। अब यहाँ से आपको प्रीव्यू विंडो के ऊपर टिक करके देखना है कि आउटपुट कैसी आ रही है। अगर आउटपुट अच्छी लगे तो आप इसको फाइनल रेंडर कर देना। ठीक है दोस्तों अब इसको फाइनल रेंडरिंग करते हैं। फाइनल रेंडर के ऊपर क्लिक करके कुछ देर के लिए छोड़ दो इसको रेंडर होने के लिए। जी देखिए दोस्तों 50% रेंडर हो गया है। ये देखिए दोस्तों 100% रेंडर हो गया है। अब आप इसको सेव कर लो। सेव इमेज के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर जेपीजी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर लो। जैसे मैं ड्राइंग 6 के नाम के ऊपर सेव कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।